हाँ जी दोस्तों, की हाल है सारे भरावां दा। ट्रैक्टर 6911 पहला ही 6911 दी हल चढ़ाई सी कुछ वीर मूसे वाले करके, हुण फिर भरा जिन्ने भी आ उदन भोग ते जाणा सब ने कही ट्रैक्टर 6911 जिन्हां कोल ले जाण वास्ते भोग ते भाई माणा मोटा जिन्हां दा कम हो लैणा ट्रैक्टर हो ही जांदे ने। ते ट्रैक्टर फोरमैन साहब ने करिया सी पावर स्टीयरिंग, ते इन्हां तों लैणे जानकारी। तो 65 बाई करने ने तैयार, तो 6911 वह समान अपने तो क्या ट्रैक्टर मोडीफाई होया बई ने, टायर अगले पाए ने BKT दे, ते पिछले भी बड़े रेडियल पाए हुए ने। फोरमैन जी की कराया ट्रैक्टर का? पावर स्टीयरिंग कराया जी, ब्रेकां करियां जी। अच्छा जी, तो ट्रैक्टर पावर स्टीयरिंग है? हाँ जी पावर स्टीयरिंग। तो इंजन का यह सादा ही है? सादा ही सादा। तो यहाँ की कर रहे हो 65 बाई का? अच्छा जी। तो जिहड़ा पावर स्टीयरिंग जिस तरह हुण साडे कोल तां यार गाहक पुछदे रहिंदे ने, जे हुण मैं तां चलो अपना भी करिया वर्कशॉप दा, कई वार लोड पै जांदी रश हुंदा साडे कोल भी, किन्ने दिन दूजे दिन दे देणा ट्रैक्टर पावर स्टीयरिंग? अच्छा, अज ला दी दूजे दिन ट्रैक्टर दे देणा, कई वार दूर नेड़े वाला गाहक पुछ लैंदा। तो इहदा की करिया 65 बाई दा जी? इहदी लिफ्ट इक्को ही हुंदी है 65 बाई दी, 6911 दी फर्क हुंदा? ओह असीं तां कहिंदे आ साडी तां मनदा नहीं, मैं कहा चल मिस्त्रियां दी बिछा दईए। असी तो मैं बहुत कहने गाहकों ये भी देखो, ये जी 65 बाई की लिफ्ट उच्चे मॉडल की साफ होंगी है, चीज़ चली घट है, शाफ्ट शूफ्ट रबड़ रिंग साफ होंगे ने, डिस्ट्रीब्यूटर जिमें उच्चे मॉडल का फॉल्ट नहीं पैंदा। आ क्राउन पिनियन देख सकते हैं 65 बाई का, जेडे भरा कई थल्यों देखा नहीं, क्राउन पिनियन नालों टापा चक्या हो जो पंप भी है, भी नवे मॉडल का पंप है, जोड़ा थले फिल्टर खुल के साफ हो जाता। इस तरह आम जीटर से सारा पंप थले लाना पैंता, थले नट खोल के पंप बाहर क्ढना पैंता ना, यदा पंप बई जी थले ही कंपनी ने देता सी, नट खोलो तो फिल्टर साफ हो जाता। आ पावर की जी ओरिजिनल फिटिंग आई है 65 बाई की, वह है तो सेंटर गेयर लीवर आ देख सकते हैं तीन ट्रैक्टर के, आ पैप दो इधर जाते हैं, दो आगे बाडी के नाल, तो यह साइड जैक वाली फिटिंग आ। कई भरा साइड जैक पसंद करते, कई सेंटर जैक पसंद करते आपदी आपदी, बाकी जे किसी ने 911 पावर स्टीयरिंग करवाना तो जो मर्जी तुहानू दस चुके भी अपने को पेटी बंद किट आउंदी आ। फोरमैन जी बस आपां नूं हिस्सा ही लाउणा पैंदा एक वारी, बस डीजल पंप उतरदा। हाँ जी हाँ जी, डीजल पंप लाउणा पैंदा थल्ले, डीजल पंप ला के एक शाफ्ट पैंदी इहदे विच जिहड़ी पावर दी शाफ्ट, देखो जिहड़े ने पंप नूं घुमाउणा, इह तां आपां नूं इन्ना कम तां करना ही पैंदा, एक वारी डीजल पंप थल्ले लथदा हुंदा, हिस्सा थल्ले लाउणा पैंदा। तो जड़िया पत्तियां थले बैल्ट करा लिया जो किसी ने सेंटर चैक करना। आ देखो 65 बाई के 911 के हिस्से का भी चलो हूँ गल चली है, थोड़ा फर्क दिखा दें। जोड़े 65 बाई का एक तो 3 मिनट आ गए एलकिया अपाटा आ गया, होर यद स्पेंडल मोटा आया जी 911 नो 65 बाई का, पर जड़िया एलकिया ने मोटिया होंगे ने, आ स्पेंडल थल्या भी मोटा, इधरों पिछों आ जो शाफ्ट आँदी आ भी मोटी है, तो इधरों स्पेंडल भी बैरिंग बड़े होंगे ये, तो आप हाँ सारी चीज़ का फर्क है 65 बाई के हिस्से का। तो कई भरावों ने लाने होंगे 911 तैयार करने होंगे, नहीं पता होंगे ट्रैक्टर के पैसे ला देंगे, बाद चो कहते भी सानू तो दस्या नहीं किसी ने, आ देख सकते हो 911 खड़ा, यदि एलकी पतली है, ये हिस्से का फर्क है। जिमें कोई पावर स्टीयरिंग करा लें आप कल स्पेंडल तोड़न की प्रॉब्लम आती है या कुछ, या देख सकते हैं ये 911 के हिस्से नालों 65 बाई के हिस्से का बहुत फर्क है। जो आप इन्ने पैसे लाने ट्रैक्टर तैयार करते हैं, ये चीज़ देख लिया करो भी, जे किसी को यह भी अपना करवाना तो अपना 65 बाई का हिस्सा ला सकते हैं 911 में। ट्रैक्टर भी बहुत सोहना तैयार होया है, शस्त्रन के अधीन है राज, टायर बहुत जचणदे आ ट्रैक्टर नूं, वधिया किसे भरा दा ट्रैक्टर तैयार होया है, सीट सूट लगी हुई, आर्म रैसट लगे हुए आ। ट्रैक्टर फोरमैन जी कोल आया होया सीगा ब्रेकां ब्रूकां होने वास्ते, चलो मैं कहा भाई जी वीडियो वेट वेट दा दे भाई जी, सैट अपने को सारे ओरिजिनल पे आ 911 के, 7-8 सैट आए सी ओरिजिनल सैट, नट बोल्ट गुले कंप्लीट आ सैट सारे, जे किसी लोड हो कर लियो 65 बाई का अपने को पावर के वेट पे ने। जिहड़ियां आ जिहड़ी तुसीं फिटिंग लाई है ਇਹ ਫਿਟਿੰਗ ਦੀ ਆ ਰਬੜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਪਾਂ, ਅੱਗੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੀ ਰਬੜ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਪੈਪਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ। ਆ ਸ਼ਾਫਟ ਤਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 65 ਬਾਈ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਕਿੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਓਰੀਜਨਲ ਸਾਰੀ ਕਿੱਟ ਸਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਾਰਮ 45 ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਭਾਜੀ, 14 ਮਾਡਲ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਐਲ ਬ੍ਰੇਕ ਆ, ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ
है फार्म ट्रैक के इंजन वाला ब्रेक नोजल दे विच इंजन मेरे भरावां दे कईआं दे सबसक्राइबरां दे फोन आए आ फार्म ट्रैक के इंजन बारे ते आ हुणे ट्रैक्टर आया सगों सर्विस भी नहीं होया मैं कहा चलो जानकारी सांझी करिए ते तुहानूं ब्रेकां दिखा दिंदा एल ब्रेक सैड डिस्ट्रीब्यूटर डबल नटां दे विच रिम देख सकते हैं एल ब्रेक ट्रैक्टर है एल ब्रेक ट्रैक्टर भाजी सैड डिस्ट्रीब्यूटर इन्हें टापा भी हैवी आ गया कई भरावों को वैसे तो पता ही है हम काफ़ी वीडियो पा चुके हैं जो टापे की हैवी दिया गोले हैवी होंगे हैवी टापे के ट्रैक्टर आ पावर स्टीयरिंग पाइपां भी देख सकते हैं तुम आ सिंगल जैक नूं देखो असी तकरीबन भरा कहिंदे रहिंदे वी सिंगल जैक करना अपना पावर स्टीयरिंग सिंगल जैक दे विच थोड़ियां समस्यावां की आउंदियां ने आ जिहड़ा टाई राड आ देख सकदे आ तुसीं टाई राड नूं बहुत दिक्कत आ जांदी है आ स्पैंडल होया टाई राड होया टाई राड दे करके ही लोकां ने फिर बाद चों डबल जैक कराए आ बाकी चलाई दा वी हिसाब हुंदा वीरे उह सारे सिंगल जैक वाले नहीं खराब ते सिंगल जैक वाले वधिया ट्रैक्टर भी हैगे कईआं दी बहुत सांभ हुंदी है ट्रैक्टर दी डबल पंप दे विच ट्रैक्टर फार्म 45 डबल क्लच सो दोस्तों इस तरह ही प्यार देंदे रहा करो चैनल सबसक्राइब जरूर करया करो वीरे रोज़ हर वीडियो दे विच कहना अपना 2000 बंदा वीडियो देख लैंदा 4000 5000 बंदा विचों बाई जी 50 बंदे भी घट्टो घट सबसक्राइब तां करया करो वीडियो टाइम कट के वीडियो पाने ट्रैक्टर की इनू रिम नूं प्लेट लगी हुई है पल्ला रिम साफ आ बाकी होर ट्रैक्टर होंदा उदों मैं ऐड करदा।